मैं लेफ्ट हाथ से, मैं लेफ्ट हाथ से खेलूंगी. मैं अमीश को उठा के 100 मीटर भाग के आ गया. सारे पिज्जे जो थे वो मीरा ने खत्म करे हैं पूरे टोक्यो के उस दिन. बाय हाथ से 15 लड़के देखते हैं कौन मजबूत है कौन क्या है. Like I'd much rather lift it this time than sit it. Hello everybody and welcome to a really really fun IGTV video. मैं शुरुआत इसी से करना चाहती हूँ कि इस साल ओलंपिक्स में बहुत धूम मची है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ अमेजिंग वुमेन टू थैंक फॉर दैट. आई एम सेइंग वुमेन स्पेशली क्योंकि आज का कॉन्वर्जेशन इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट फॉर मेनी मेनी रीजंस, वो आपको आगे पता चल जाएगा. इंडिया में से वी हैड 126 एथलीट्स अक्रॉस 18 स्पोर्ट्स जिसमें से 54 वो फीमेल्स. And I think that is amazing representation to name a few. Of course, we had our minds blown by someone like Asai Kaur Mirabai Chanu. We had PV Sindhu. We had Lovelina Borgohain. We had Avni Lekhra. We had Bhavana Patel. And the list just goes on. Speaking of a certain Miss Mirabai, today hum conversation karne wale hain because there's a new film coming out. Jisme there's another very tagri athlete happening. So let's please welcome Tapsee Pannu and Mirabai Chanu. Yay! Mirabai! Yay! Hi! मैं इतनी ज्यादा नर्वस थी जो हमें देख रहे हैं उनको बता दूं कि वी हैड लाइक अ गुड 10 मिनट कॉन्वर्सेशन बिफोर दिस स्टार्टेड एंड दैट वाज वेरी कैजुअल एंड सडनली व्हेन आई हैड टू से लाइक नेम्स एंड नंबर्स एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली मैं थोड़ी सी इधर उधर हो गई. बट ये होता है व्हेन मेरे को हमेशा होता है जब मैं रियल स्पोर्ट्स स्टार से मिलती हूँ ना तो मेरी भी थोड़ी सी पसीने छूटने लगते हैं, मेरे को भी थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि एक तो ये रियल वाले स्टार है, हम रियल वाले स्टार है. और पता है और ऐसे होता है ना कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बोलेंगे कि ये क्या बकवास चल रही है यार, लाइक आई एंड मच रादर लिफ्ट इन दिस टाइम देन सिट इन दिस टाइम. ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है इसमें तो मैं 500 किलो उठा के आ जाती इतनी देर में तो मैं. नहीं 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 ऐसे कुछ नहीं है. बट मीराबाई नहीं, ये भी मजाक कुछ और है, ये भी बहुत मजाक है. सबसे पहले तो मीरा आपको So much love and so much respect. आपने जो करा हुआ है जो कर दिखा दिया है आपने, बहुत बढ़िया. Tapsee, you are just mad. क्योंकि Guess right, I am very mad. You are mad. I'm sorry, but you are. मैंने ट्रेलर देखा और ट्रेलर से पहले मैं बता दूं कि रश्मि रॉकेट इज डायरेक्टेड बाय आकाश खुराना हु आई लव. और जब वो शूट हो रहा था उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा मतलब वो दिख रहा था, लाइक मैं पिक्चर्स देख रही थी या कुछ कुछ देख रही थी उस टाइम से. पिछले साल जब शूट हो रहा था तब मैंने देखा था एंड आई रिमेम्बर जस्ट थिंकिंग आई सेड व्हाट हैज तापसी डन. मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये वाला सीन हुआ कि अब जब मूवी रिलीज मतलब मूवी खत्म हो गई तो फिर आपके घर पे आए पिज्जा बॉक्सेस या क्या सीन? अरे मैं बताती हूँ बस फनी क्या हुआ था. खत्म होने के बाद जिस दिन मेरी रेस खत्म हुई सारी और मतलब वो बॉडी दिखाने का पार्ट खत्म हुआ, मैंने कहा आज तो मतलब पूरा दिन मैं खाऊंगी और मतलब क्या क्या चीजें खाई है. मेरे ट्रेनर्स लेकर आए मेरे लिए वो पास्ता, ठीक है, पास्ता और वो केक्स, ठीक है, वो खाने शुरू करे. मेरे प्रोड्यूसर्स मेरे घर पे दिल्ली के छोले भटूरे मंगवाए हुए उन्होंने, बॉम्बे दिल्ली के छोले भटूरे आए हुए हैं और हलवा गुलाब जामुन दिल्ली से. और नाइट शूट थी, मैं सुबह 4 बजे तक खाई रही थी, हर 2 घंटे बाद मैं कुछ ना कुछ खा रही थी. सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था. मेरा कॉम्पिटिशन हुई थी 24 जुलाई को, तो मैं लगभग मैं 11-11:30 में फ्री हुई थी. तो सबसे बात करके लगभग मैं 1-2 बज गए थे, मैं फ्री हो गया था 2 बजे. तो फिर मैं डिनर के लिए मेरा जो टोक्यो का जो मेस है इसमें मैं भाग के गई थी क्योंकि मुझे पिज्जा खाना था सबसे पहले. तो मैं 2 बजे से 3-4 बजे तक मैं पिज्जा खाते रही. सारे पिज्जे जो थे वो मीरा ने ही खत्म करे हैं पूरे टोक्यो के उस दिन. बहुत ज्यादा पिज्जा खाया मैंने. पिज्जा ही नहीं, और भी कोई चीजें हैं.
मैं जब से कॉम्पिटिशन खत्म हुआ है तो मैं पिज्जा ही खा रही हूँ और वो सारी चीज होते हैं मणिपुर का जो फूड होते हैं, मणिपुर में तो सबको पता है स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो मैं मम्मी के हाथ की खाना बहुत खाया और बहुत सारे फूड होते हैं मैं उसको खाया। जब आप जीत के वापस आई बहुत क्रेजी माहौल था, मतलब जब आप टोक्यो में थी उस वक्त ही ट्विटर इंस्टाग्राम पे सारे लोग पागल हो रहे थे, क्या कैसे हैंडल करा, बहुत ओवरवेलमिंग हुआ होगा, व्हाट वाज दैट लाइक? अलग सा फील आ रहे थे, मतलब मैं हाँ मैंने इंडिया के लिए कुछ करके दिखाया है, कुछ करके लाया है, तो ऐसा फील बहुत ही मजा आ रहा था, तो बहुत ही सभी का प्यार सभी का आशीर्वाद बहुत ज्यादा मिले थे, तो बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। ओके तापसी, हाँ तो नाउ इन रश्मि रॉकेट यू आर प्लेइंग अ रनर अ स्प्रिंटर, और व्हाट वाज थर्ड फिल्म है ये स्पोर्ट रिलेटेड? हाँ एक्चुअली मैंने सूरमा करी जिसमें मैंने हॉकी सीखी थी, फिर उसके बाद मैंने सांडकिया करी जिसमें मैंने शूटिंग करी थी, अब स्प्रिंटर बन गई हूँ तो इसके बाद क्रिकेट खेलने वाली हूँ, तो मैंने जो फिल्म इंडस्ट्री का स्पोर्ट्स कोटा मेरे पास है। कितने के लिए ट्रेनिंग कैसा रहा, व्हाट वाज इट? बिकॉज़ जब मैंने ट्रेलर देखा, जब मैंने या पहले लुक्स जब मैंने देखे तो उसमें ना बहुत साफ नजर आ रहा है कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत करी हुई है, पिक्चर्स मैंने देखे थे, मैंने कहा इसमें तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा कि क्या काम हो रहा है, बट लुकिंग एट यू आई कुड टेल दैट यू वर्क वेरी वेरी हार्ड टू लुक द पार्ट। हाँ क्योंकि यार ये जो एक तो पहली बार फीमेल एथलीट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट पे पिक्चर थी, ये किसी की बायोपिक नहीं है, बट एटलीस्ट पहली बार अगर मैं एथलीट का रोल प्ले कर रही हूँ और मैं उनको इतना बड़ा स्टार मानती हूँ, मैं स्पोर्ट्स स्टार्स को जेन्युइनली बहुत रियल हीरो मानती हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी उनका रिप्रेजेंटेशन में कोई कमी रह जाए, तो इस वजह से आई ट्राई टू गिव इट ऑल आई हैव, जितनी हिम्मत मेहनत कर सकती थी मैंने करी। Also, बहुत hectic weather conditions में शूट हो रहे थे। हाँ मैं उत्तराखंड के अंदर एक्चुअली ट्रेन कर रही थी, जब जनवरी के अंदर उत्तराखंड में कुछ 6-7 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो सुबह रोज सुबह 5 बजे अपने आप को उठाना और फिर वहाँ ट्रैक पे लेके जाना सनराइज से पहले, और वो ट्रैक भी 100 मीटर ऐसा होता था, अंधेरे में इतना फॉग होता था उस टाइम पे कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से 100 मीटर खत्म होने तक का जो फिनिश लाइन है वो दिखता नहीं था, वो इतना ज्यादा उस टाइम पे फॉग और ठंड थी उस एरिया में, बट फिर वो लगता था कि यार ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली पिक्चर है, इसमें अभी अभी जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, क्योंकि बाद में पछताने का मौका नहीं मिलेगा कि अगर यार काश थोड़ा सा और कर लेती तो बेटर हो जाता। मेरे पास कुछ स्टीरियोटाइपिकल कमेंट्स हैं जो लोग बड़े कैजुअली बोलते हैं, सो आई वांट टू नो कि लाइक डू ऑल वांट टू ट्राई टू गिव रिप्लाइज? चलो देखते हैं क्या है? मैं तो रोज ही सुनती हूँ ऐसे, मीरा मैं आंसर सुनना चाहूंगी। रेडी मीरा? रेडी हाँ तापसी द फर्स्ट वन इज फॉर यू। हाँ यू प्ले सो वेल फॉर अ गर्ल, दैट्स क्वाइट अ कॉम्प्लीमेंट फॉर द ब्रेन यू हैव। मीरा इजंट दिस टू हैवी फॉर अ गर्ल टू लिफ्ट? सर कुछ नहीं है, जो वेट लिफ्टिंग का बॉडी जो होते है ना बहुत ही मजबूत ही होते हैं। चाहो तो मैं मेरे साथ एक बार बाएं हाथ से पंजा लड़के देखते हैं कौन मजबूत है कौन क्या है। हाँ एक बार पंजा लड़ा लो, कि लिफ्टिंग तो छोड़ो तो पंजा लड़ा लो, जस्ट डू दैट, और एंड टू एम्प इट अप लिटिल बिट मोर यू कैन आल्सो से चल मैं तेरे साथ अपने वीक वाले हैंड के साथ करूंगी पंजा। मैं लेफ्ट हाथ से खेलूंगी। बड़े सारे लोगों का है कि डू यू रियली लाइक स्पोर्ट्स और आर यू जस्ट ट्राइंग टू लुक कूल? अरे आई एम कूल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइंग टू लुक कूल? पहली बात तो आई एम कूल, और कितना स्पोर्ट्स आता है कितना नहीं वो बातों से नहीं स्पोर्ट्स फील्ड में आके देखते हैं। आई हैव वन मोर, लेकिन अगर वो मैं ट्रेलर के बाद बोलूं, लाइक आई एम होपिंग कि जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं उन्होंने ट्रेलर देखा, अगर नहीं देखा है हाउ अबाउट वी सी द ट्रेलर टुगेदर वन मोर टाइम? चलो सुनो, मैं पहले बोल रही हूँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ, दिस इज मैड, बहुत अच्छा। Also, मैं इतनी excited हूँ to see Priyanshu also. I am so excited about everything, this whole film.
इससे याद आता है, ट्रेलर में भी यही बात है, फिल्म में भी यही बात है, और आई एम श्योर कि ये बहुत सुनाई देता है कि ऐसे मसल मत बनाओ यार, मर्द लगोगे। हाँ तो मतलब अगर मैं बिकिनी बॉडी बना के आती तो उस टाइम पे कोई नहीं कुछ बोलता कि यू नो दैट वुड, ये जो बिकिनी बॉडी बनाओगे तो वो लड़की का काम है, बट मैंने मसल बना ली तो वो लड़की का काम नहीं है। तो वो इस तरह की सोच को ही टारगेट करना है, बिकॉज ऑफ यू नो चैंपियंस लाइक मीरा हम लोगों को मतलब ये प्रूव कर सकते हैं कि लुक बियॉन्ड द बॉडी, लुक एट द टैलेंट एंड नॉट, बॉडी डजंट मेक यू मैन और अ वुमन, सो कीप दैट थिंकिंग असाइड, तो अप्रिशिएट द टैलेंट ऑफ द एथलीट। मीरा आपने देखा ट्रेलर? हाँ हाँ देखा, बहुत मस्त। इस मूवी में ना आपका जो बॉडी है बहुत ही अच्छा देखते हैं, ऐसा होता है ना एथलेटिक्स के वो बॉडी सेम जो रियल एथलेट्स होते हैं तो उसकी मसल सेम आ रहा था आपकी, तो बहुत मजा आया देखने में। ये कॉम्प्लीमेंट मैं फ्रेम कराते रखूंगी ये कॉम्प्लीमेंट्स मैं देख, मुझे ये पेस्ट करके कॉपी करके पेस्ट करके मैं हर जगह लगा दूंगी। थैंक यू मीरा, या पिक्चर भी देखना प्लीज। I saw Meera's photo shoots, yeah, after the... I saw. Yeah, amazing pictures आई हैं यार, Meera outstanding. मुझे भी, I'm going to try and get those cuts. So muscle कम थे. Meera, इतने ही मतलब वो देखते कि complex दे रही हो तुम, कम क्या थे? Meera मेरे को एक बात बताओ. It's been a long, long journey for you. जहाँ से भी आपने, जैसे भी you started and then till आप पहुँची जहाँ पे आप पहुँचे, आपके कोई आपके favorite moments क्या रहे journey में से, other than the Tokyo Olympics, of course, वो तो है। तो उसके अलावा क्या क्या बहुत special रहेगा आपके लिए हमेशा as a sportsman? सब बोलते हैं players की life कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं, देख ऐसा होते रहते हैं, तो वो रियो में सबसे पहला मेरा ओलंपिक थे, उसमें मैं इतने यंग उम्र में मैं पार्टिसिपेट करने को मिला था, तो मैं इसमें भी बहुत मेहनत किया। अभी तो 27 रियो ओलंपिक्स 2016 है, तो 24 तो पहला था, कभी ऐसा वो नहीं थी मेरे साथ में, जितना मैंने मेहनत किया था रियो के लिए, एक मेडल जरूर इंडिया के लिए लेने के लिए, और ओलंपिक में आज तक का कोई मतलब मेडल तो थे पर गोल्ड सिल्वर ये सब नहीं थे, तो मैं सोचा था, मैं पहले से ही सोचा एक बार ओलंपिक जाके मुझे मेडल लेना है, तो वो इसी की तैयारी में मैं बहुत अच्छा चल रही थी। पर उसी दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ था मेरे अंदर, मतलब मैं जब स्टेप्स में लिफ्ट करने गई थी ना तो पूरा ब्लाइंड हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करने जा रहे क्या करूं, पूरा ब्लाइंड हो गया था। तो वो मुझे सबसे कभी भी मैं वो इस मोमेंट को मैं नहीं भूल पाएगी। ऑल्सो आई थिंक एडिंग ऑन टू तापसी जो आप कह रही थी, मुझे लगता है कि लुक बियॉन्ड द बॉडी, बिकॉज मुझे सिर्फ ऐसे लग, मुझे ये भी लगता है कि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स द माइंड प्लेज सच अ बिग रोल, क्योंकि आई एम श्योर कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई थी व्हेन शी वेंट फॉर रियो, लेकिन सडनली दिमाग ऐसे फिर गया कि मतलब कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया, सो आई जस्ट फील लाइक इट्स सच अ टफ स्पॉट टू बी इन। एंड उस पर आई एम ग्लैड उसने हिम्मत नहीं छोड़ी यार, बिकॉज उस टाइम पे ना इतना अफेक्ट कर जाता है कि एक बार हिम्मत छोड़ने का मन करता होता है कितनी बार। मुझे से लगता है रॉकेट में भी ये वाला एक एंगल बहुत एविडेंट है, क्योंकि जो भी होता है जब टेस्ट होते हैं और जिस तरह का स्ट्रगल रश्मि हैज टू गो थ्रू, मुझे लगता है कि इट्स सो इट्स ओनली मेंटल। हाँ, क्योंकि कई बार उस पिक्चर में भी ऐसे मोमेंट्स आए हैं जिसमें वो छोड़ देती है एक्चुअली, वो गिव अप कर देती है कि छोड़ क्या भागना है, बट उसके बाद जो उसके आसपास के लोग हैं, जैसे मीरा की लाइफ में उसके मदर ने, उसके कोच ने, सबने उसको बोला कि नहीं ऐसा होता रहता है, छोड़ो मत हिम्मत, ऐसी रश्मि की लाइफ के अंदर भी इतने सारे लोग थे जिन्होंने बोला कि नहीं छोड़ना नहीं है, कोशिश करना छोड़ना नहीं है, एक बारी एकदम एक अच्छी फाइट देनी है, एक बारी कोशिश करने की दे रहे यार, जो कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। तो आई थिंक दैट इज अ बिग लर्निंग फॉर एक एथलीट का रोल निभाते निभाते मैंने ये तो सोच लिया है कि कोशिश करनी कभी छोड़नी नहीं चाहिए। इसीलिए तो आप गए मेडल, थैंक यू सो मच, दिस वाज
अमेजिंग यार मेरा कपड़ा ऐसे, एक तो हम जयपुर में शूट कर रहे हो, जयपुर में हो रहा है 4000 डिग्री, ठीक है, तो बहुत बहुत बुरा हाल हो रहा है शूट करने तो सो अमीश इज हियर हमारे स्टूडियो, जब हम सारे हम जब शूट करने आए ना, मतलब मैं कम्प्लीटली ड्रेन आउट हो चुकी थी. नो इट्स फाइन इट्स फाइन, बट दिस कन्वर्सेशन हैज बीन अमेजिंग. चलो वेरी नाइस, जाके प्राजक्ता एक काम कर, उठा ले अमीश को, उठा ले तू, अमीश को उठा ले तू. मैं अमीश को उठा के 100 मीटर भाग के आ जाऊंगा. जोश से भर दिया है मैंने और मीरा ने प्राजक्ता को, प्राजक्ता भाग के कुछ उठा के भारी था 100 मीटर की दौड़ में एकदम जीत के आएगी. अभी पता नहीं किससे, अकेली भागेगी, अकेली भागेगी. No, but this is amazing. Thank you, Meera. Thank you, Tapsi. And sabko bata do, Rashmi Rocket releases on 15th October only on Z5. So please jaake dekhiye. Agar aapne abhi tak trailer dekha nahi hai, please go watch it. So many people I love and respect and look up to are in the film. Please go watch the film. I'm so excited. And Meera, aap mujhe message karna dekhe. Main wait karungi aapke comment ka. Theek hai? Jaroor, jaroor. Perfect. Thank you. Bye, Meera. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.